हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6, प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। घूमना हर किसी को पसंद होता है, और आपकी बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगी, फिर आप लोगों को 2 मंथ्स का ब्रेक मिलने वाला है। उस ब्रेक में आप डेफिनेटली कहीं पे घूमने के लिए जाओगे। बात तो सही है। ये चैप्टर टूरिज्म के रिगार्डिंग है। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जहां पे हम लोग घूमने जा सकते हैं। क्या बात है सर। सो इस वीडियो में हम पूरा इंडिया घूमने वाले हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज सिखाया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन जहाँ पे हम घूमने के लिए जा सकते हैं वो है केव्स ऑफ अजंता। आप लोगों को यहाँ पे सारे के सारे लोकेशन याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये आप लोगों को 1 मार्क्स में मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। केव्स का मतलब होता है गुफा, और ये पर्टिकुलर केव्स जो है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अजंता विलेज सिचुएटेड है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। आप लोगों को यहाँ पे उसकी इमेज भी दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए जाओगे तो ऐसा पर्टिकुलर व्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी केव्स है उसको 2 डिविजन्स में हमने डिवाइड करके रखा है। कुछ ऐसी केव्स है जहाँ पे वॉल पेंटिंग्स है, यानी कि वॉल के ऊपर पेंट करके रखा है और वो पेंटिंग आज भी हमें देखने को मिलती है। और कुछ ऐसी केव्स है जहाँ पे स्कल्पचर्स है। स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्ति, आइडल्स वगैरह चीजें जो है जो हमने स्टोन में से कट करके बनाई है वो वहां पे सिचुएटेड है। अब आप लोगों को अगर पूछे कि पेंटिंग्स जो है वो कौन से केव्स के अंदर प्रेजेंट है, तो केव नंबर 1, 2, 10, 16 और 17 ये पर्टिकुलर केव नंबर के अंदर आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। और ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग्स है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को शो करने के लिए वहां पे बनाई गई है। और यहाँ पे जितनी भी अजंता केव्स है उसको हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके रखा है। एक कैटेगरी को कहते हैं चैतियस और दूसरी कैटेगरी को कहते हैं विहारस। क्या होते हैं चैतियस और विहारस तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर हम बात करें चैतियस कौन कौन से केव्स में है, तो आप लोगों को याद रखना है केव नंबर 9, 10, 19, 26 और 29। ये सारे केव्स को चैतियस कहा जाता है और बाकी की जितनी भी केव्स है वो सारे के सारे विहारस है। अजंता केव्स जो है वो फॉरगॉट हो चुके थे, मतलब कि पता ही नहीं था कि लोगों को कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर केव्स भी है। तो इसको पर्टिकुलर एक इंग्लिश कैप्टन थे जो अपने शिप के थ्रू इंडिया आए थे, जिनका नाम था जॉन स्मिथ। उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया था। टाइम के साथ ये जो केव्स है ना वो छिप गई थी, किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर केव्स है जिसको हम देख सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन 1819 में एक इंग्लिश कैप्टन आते जिनका नाम था जॉन स्मिथ, उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। और आज की अगर हम बात करें तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से बहुत सारा पार्ट इसका डैमेज हो चुका है। क्या होते हैं चैतियस और विहारस, तो ये 1 मार्क में आपको पूछा जाता है। चैतियस को कहा जाता है टेंपल के हॉल्स। आपने देखा होगा कि आप कभी भी टेंपल विजिट करने के लिए जाते हो तो उसका हॉल बहुत ही बड़ा होता है, तो उसको चैतियस कहा जाता है। स्पेसिफिकली वहां पे कौन आते थे, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते थे। साथ साथ में वहां पे इंटीरियर में स्टूपास भी बनाए गए हैं। और विहारस का मतलब होता है बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज। मोनेस्टरीज का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो रुकते थे और अपना काम करते थे वहां पे। तो ये मतलब होता है चैतियस और विहारस का। अब अजंता के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है एलोरा केव्स। अगेन ये आती है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में और टोटल यहाँ पे 34 केव्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमने सारे की सारी केव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट से 12 जो है वो बुद्धिस्ट केव्स है, 13 से 29 वाली हिंदू केव्स है,
और 30 से 34 वाली जैन केव्स है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये पर्टिकुलर केव्स बनाई थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पे, ये आप लोगों को 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको एमटीपी क्या देना। अगर मैं बोर्ड का पेपर बनाऊंगा तो मैं तो पूछूंगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे कैलाश टेम्पल कौन से केव में सिचुएटेड है, ये बहुत बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है। कैलाश टेम्पल यानी कि शिव जी का टेम्पल जो है वो केव नंबर 16 के अंदर प्रेजेंट है, और वो पर्टिकुलर केव की लेंथ, विथ और हाइट भी आपको गिवन है, और ये टेम्पल जो है वो एक सिंगल रॉक में से कट करके बना गया है, ये उसकी आप कह सकते हो कि खासियत है। अब यहाँ पे अगर आप वो टेम्पल विजिट करोगे केव नंबर 16 का, तो वहां पे आपको ब्यूटीफुल डोर्स देखने को मिलेंगे, बालकनीज अच्छी अच्छी देखने को मिलेगी, पिलर्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, और ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उस टाइम पे ये केव उसको बनाया था, दैट इज बिटवीन 600 AD टू 1000 AD। फिर इसके बाद थर्ड जो टाइप की केव है वो है एलिफेंटा केव्स। ये पर्टिकुलर केव्स जो है आप लोगों को 3 मार्क्स में डायरेक्टली शॉर्ट नोट के फॉर्म में बोर्ड में कई बार पूछी गई है। इससे पहले जो हमने अजंता एलोरा केव्स देखा उसमें से 1 मार्कर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एलिफेंटा केव्स एक ऐसी केव्स है जो आप लोगों को डायरेक्टली शॉर्ट नोट में पूरी याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी लोकेशन, ये है अरेबियन सी में। अगर हम मुंबई से ट्रैवल करेंगे तो हमें बोट के थ्रू जाना पड़ेगा और 12 किलोमीटर दूर पड़ती है फ्रॉम मुंबई, और टोटल यहाँ पे 7 केव्स प्रेजेंट है। साथ साथ में आपको याद रखना है देयर इज अ ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है। अगर आप वो केव्स को अगर आप वहां पे घूमने के लिए जाओगे तो वहां पे आपको एलिफेंट का बहुत ही बड़ा स्टोन मॉन्यूमेंट यानी कि स्कल्पचर देखने को मिलेगा। और पोर्टुगीज जब आए थे वहां पे घूमने के लिए तो पोर्टुगीज ने इसी के नाम पे से मतलब कि एलिफेंट को देखकर ही वो पर्टिकुलर केव्स का नाम रख दिया था एलिफेंटा केव्स। साथ साथ में वहां पे त्रिमूर्ति टेंपल भी है। त्रिमूर्ति का मतलब हुआ 3 पर्टिकुलर जो हमारे गॉड है हिंदू गॉड उनके टेंपल्स हैं जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु और महेश। कहाँ पे प्रेजेंट है तो केव नंबर 1 में प्रेजेंट है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप खास करके याद रखना, और यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया था इन 1987। और जो लोकल फिशरमैन है वो एलिफेंटा केव्स को कहते हैं धारापुरी। ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट अगेन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको मिस मत करना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लोकेशन आती है इंडिया की वो है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली कोस्टल रीजन में है, चेन्नई से 60 किलोमीटर अवे पड़ता है। ये पर्टिकुलर जो टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है वो बनाया था उस टाइम के किंग नरसिंहवर्मन 1 ने, जिसको पॉपुलरली उस टाइम पे महामल्ला भी कहते थे, और वो बिलोंग करते थे पल्लव डायनेस्टी को। टोटल वहां पे उस टाइम पे 7 चैरियट टेम्पल्स बनाए गए थे। चैरियट का मतलब होता है रथ, जैसे कि जब भी जगन्नाथ यात्रा निकलती है, ठीक है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि एक रथ होता है, रथ के अंदर भगवान बैठते हैं और बाद में लोग जो है वो रथ को पुल करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ऐसे टेम्पल्स को कहा जाता है चैरियट टेम्पल्स। अब आपको पता है कि टोटल उस टाइम पे 7 चैरियट टेम्पल्स थे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 5 चैरियट टेम्पल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज बाकी के 2 जो टेम्पल्स हैं वो ये जो उस टाइम के आप कह सकते हो कि अभी जो पर्टिकुलर बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है जो चेन्नई के पास पड़ता है वहां पे वो सबमर्ज्ड हो चुके हैं इन द सी। और इसकी जो खास बात है उस टेम्पल की, दैट इज जो लॉर्ड विष्णु का स्माइलिंग पोज देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर। साथ साथ में देयर इज एन आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा।
स्लिंग महिषासुर इज वर्थ सीइंग। जैसे कि आपको पता ही है कि गॉडेस दुर्गा जो है उन्होंने एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, उसको किल किया था, मार दिया था, तो उसकी भी मूर्ति यानी कि आइडल आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और महाबलीपुरम उस टाइम का एक फेमस हार्बर था। हार्बर का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो है शिप के थ्रू चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो ये पॉइंट भी आप लोग खास करके याद रखो। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है पट्टाडकल मेमोरियल। पट्टाडकल जो है वो चालुक्य डायनेस्टी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी उसकी कैपिटल सिटी थी, जो 16 किलोमीटर अवे दूर पड़ता है बदामी नगर से। ये देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट अगर आप लर्न नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, जस्ट इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर आपको टेंपल दिखाई दे रहा है वो बिल्ड हुआ था 7th और 8th सेंचुरी के टाइम पे। और इसका जो सबसे बड़ा टेंपल है ये वाला पॉइंट आप लोग खास करके याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कौन सा टेंपल जो है पट्टाडकल के अंदर सबसे बड़ा टेंपल है, तो वो टेंपल का नाम है वीरूपक्षा टेंपल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मिस मत करना। फिर आते हैं खजुराहो के टेंपल। खजुराहो जो है वो एक छोटा सा विलेज है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगेन जो चंदेला राजपूत हुआ करते थे बुंदेलखंड के, उन्होंने खजुराहो को अपना कैपिटल सिटी माना था। और उस टाइम पे यानी कि 950 AD से लेके 1050 AD तक बहुत सारे टेंपल्स खजुराहो के अंदर बनाए गए। उसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 25 टेंपल्स एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ टेंपल्स जो है वो भगवान शिव के हैं, और कुछ आपको वैष्णव कम्युनिटी के और कुछ टेम्पल्स आपको जैन कम्युनिटी के भी देखने को मिलेंगे। और इसका जो सबसे मेन टेम्पल है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो टेम्पल को कहा जाता है 64 योगिनीज टेम्पल। इसकी जो खास बात है वो है उसका तोरण यानी कि आर्क जो आपको एंट्रेंस दिखाई दे रहा है वो इसका बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जितने भी टेम्पल्स उस टाइम पे बनाए गए वो सारे के सारे ग्रेनाइट स्टोन से बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो है नागर स्टाइल ऑफ आर्ट। ये चीज आपको याद रखना है। जो साउथ इंडिया के टेम्पल है वो द्रविडियन स्टाइल में बनाए जाते हैं, और नॉर्थ इंडिया की जो टेम्पल की स्टाइल है वो थोड़ी अलग होती है, ईस्ट इंडिया की थोड़ी अलग होगी, सेंट्रल इंडिया की भी डिफरेंट होगी। ये जो खजुराहो के टेम्पल्स है वो नागर स्टाइल ऑफ आर्ट से बनाए गए हैं। ये आप लोगों को 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पे 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जाता है, दैट इज सन टेम्पल ऑफ कोणार्क मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये पर्टिकुलर सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वो बे ऑफ बंगाल के पास पड़ता है। पूरी डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है वहां पे ये सिचुएटेड है। इसको बनाया था अगेन वो जो पर्टिकुलर किंग का नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, दैट इज नरसिंहवर्मन 1। उसने बनाया था 13th सेंचुरी में, और वो बिलोंग करते थे गर्ग डायनेस्टी को। ये जो पर्टिकुलर चैरियट टेम्पल है उसकी खास बात ये है कि हमें वहां पे दिखाई देता है कि 7 जो हॉर्सेस है वो पर्टिकुलर इस चैरियट टेम्पल को आगे खींच के लेके जा रहे हैं। और वो जो पर्टिकुलर चैरियट है उसके अंदर जो सन गॉड है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 7 हॉर्सेस थे। साथ साथ में ये याद रखना है कि टोटल 12 मैसिव व्हील्स हमें दिखाई देते हैं इस पर्टिकुलर चैरियट टेम्पल में। ये जो पर्टिकुलर व्हील्स है जो 12 व्हील्स थे वो शो करते हैं 12 मंथ को, और एक व्हील के अंदर टोटल 8 स्पोक्स होते हैं, और वो 8 स्पोक्स जो है वो एक पर्टिकुलर दिन के अंदर 8 प्रहर्स होते हैं उसको शो करते हैं। साथ साथ में ये जो टेम्पल है
वो ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। ये चीज आप लोग याद रखोगे। अब यहाँ पे एक और टेम्पल आपको याद रखना है, दैट इज बृहदेश्वर टेम्पल। इसमें से आप लोगों को मैच द फॉलोइंग बहुत बार पूछा गया है। ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है वो तमिलनाडु के तंजोर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये टेम्पल बनाया था 1003 AD से 1010 AD में। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसको शिव टेम्पल भी कहा जाता है। इसको बनाया था किंग राज राजा वन ने, जो चोला डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ये टेम्पल को राज राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। देखो एक ही पर्टिकुलर टेम्पल है लेकिन अलग अलग नाम है, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ये टेम्पल की जो हाइट है वो 500 फीट जितनी है और इसकी जो विथ है वो 250 फीट है। और अगर आप इसका समित देखोगे, समित यानी कि पीक, तो आपको पता चलेगा कि वो 200 फीट जितना हाई है। ये टेम्पल साउथ का है, दैट मीन्स हमेशा यहाँ पे द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी सी लोकेशन जो आप लोग घूमने के लिए जा सकते हो, दैट इज कुतुब मीनार, जो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। इसको बनाया था 12th सेंचुरी में, और उसके जो फाउंडर थे, बनाने वाले जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चीज आपको याद रखनी है, जो गुलाम डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। उनकी डेथ होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पूरा टेम्पल नहीं बना, ये सॉरी टेम्पल नहीं, को ये मीनार नहीं बना पाए। इसको कंप्लीट किया था उसके सन इन लॉ, जिसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये जो पूरा पर्टिकुलर कुतुब मीनार है उसका थोड़ा सा पार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट था वो इल्तुतमिश ने बनाया था। ऑब्वियसली ये आपको एक टावर के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसकी हाइट है 72.5 मीटर, जो रेड स्टोन और मार्बल से बना है। अगर आप इसका बेस का सरकमफेरेंस देखोगे तो 13.75 मीटर जितना लगेगा, और जैसे आप टॉप की तरफ ट्रैवल करोगे तो वो रिड्यूस हो जाता है अप टू 2.75 मीटर। अब अगर आप वहां पे क्लोजली नोटिस करोगे तो वहां पे आपको कुरान के वर्सेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि हिंदू श्लोक्स होते हैं वैसे कुरान के अंदर भी वर्सेस होते हैं जो आपको देखने को मिलेगी। और ये इंडिया का सबसे ऊंचा यानी कि टॉलेस्ट स्टोन मिनारेट है, यानी कि स्टोन का बना हुआ एक मीनार है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन जो अगेन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करती है वो है हम्पी। ये भी आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वन ऑफ द IMP क्वेश्चन है। ये सिचुएटेड है तुंगाभद्रा रिवर, जो कर्नाटका के पास है वहां पे सिचुएटेड है, तो ये चीज याद रखना है। ये जो हम्पी है वो विजयनगर किंगडम जो हुआ करता था, आपको याद हो तो एक सीरियल आती थी जिसका नाम था तेनाली रामा, वहां पे जो किंग थे उसका नाम था कृष्ण देव राय। ठीक है, वो जो कृष्ण देव राय था उनकी जो कैपिटल सिटी थी वो था विजयनगर। ठीक है, वो विजयनगर साम्राज्य में राज करते थे और वहां की कैपिटल सिटी को कहा था उन्होंने हम्पी। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, इसलिए कहा जाता है कि वो उस टाइम का गोल्डन पीरियड था। अगर आप वहां पे देखोगे इस पर्टिकुलर टेम्पल को, तो वहां पे पिलर्स और कॉलम्स के ऊपर आपको गॉड्स, गॉडेसेस, ह्यूमंस, एनिमल्स, वॉरियर्स और डांसर्स, इन सब की फिगर्स देखने को मिलेगी। और वहां के जो 2 इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं वो है विट्ठल टेम्पल और हायरा टेम्पल, ये आप लोगों को याद रखना है। वीरुनक्षा टेम्पल जो है और आचान्यूत्रय टेम्पल जो है लॉर्ड कृष्णा का, वो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का जो उस टाइम पे देखने को मिला। अब हम बात करेंगे हुमायूज टॉम्ब की। हुमायूज ऑब्वियसली टॉम्ब है, यानी कि हम कब्र की बात करेंगे जहाँ पे हुमायूं की बॉडी को रखा गया है। ये बना था मुगल के टाइम पे, इसलिए इसको बेस्ट आर्किटेक्चर कहा जाता है मुगल्स का। ठीक है, जब हुमायूं की डेथ हो गई थी तो उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम था क्वीन हमीदा बेगम, उसने ये बनाया था।
अगर हम मुगल्स की बात करें तो उस टाइम पे जो भी आर्किटेक्चर बनता था वो ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट में बनता था, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और यहाँ पे इसका कलर देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे रेड और व्हाइट स्टोन्स जो है वो खास करके यूज किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फोर्ट ऑफ आगरा। आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली में भी एक फोर्ट है जिसको रेड फोर्ट कहा जाता है, ये उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग है। ये आगरा में सिचुएटेड है और आगरा का मतलब जो स्टेट है वो बनेगा हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ये जो पर्टिकुलर फोर्ट है वो रेड स्टोन से बना है इसलिए इसको भी रेड फोर्ट कहा जाता है। दिल्ली वाला रेड फोर्ट अलग है, आगरा का फोर्ट अलग है। अब ये जो फोर्ट ऑफ आगरा है वो अकबर ने बनाया था इन द ईयर 1565 AD, और यहाँ पे हमें हिंदू और ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर फोर्ट है अगर आप उसकी हाइट देखोगे तो 70 फीट जितना टॉल है और 1.5 माइल जितना उसका सरकमफ्रेंस है, यानी कि बहुत ही बड़ा फोर्ट है। और अभी तक इसमें क्रैक्स देखने को नहीं मिले हैं जो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस फोर्ट के अंदर एक पैलेस है जिसका नाम है जहांगीर पैलेस, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। और जहांगीर पैलेस के अंदर आपको बंगाल की और गुजरात की आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो देखने को मिलेगी। शाहजहां ने अपने जो आखिरी टाइम था, जो उसके लास्ट फ्यू डेज थे, वो इस पर्टिकुलर फोर्ट के अंदर स्पेंड किए थे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट वो है हमारा ताजमहल, वो सिचुएटेड है अगेन आगरा में, यूपी के अंदर वो आता है और इन द ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। ये आप लोगों को याद रखना है कि यमुना रिवर के बैंक पे वो सिचुएटेड है और ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। आपको पता ही है कि इसको शाहजहां ने बनाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज। जब मुमताज की डेथ हो जाती है 1630 में, तो उसके बाद 1631 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। 22 ईयर्स तक ये कंस्ट्रक्शन चालू रहा और 1653 में ये सब कुछ खत्म हो गया। अब शाहजहां ने ये पर्टिकुलर ताजमहल बनाने के लिए ईरानियन स्कल्पचर्स को बुलाया था, अरेबियन स्कल्पचर्स को, टर्किश, यूरोपियन, ठीक है, अलग अलग कंट्री से जो भी आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स थे वो आके ये पर्टिकुलर काम जो है वो कंप्लीट करते हैं। अगर आप इसकी बिल्डिंग को नोटिस करोगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप में है और वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में है, और मुमताज की जो ग्रेव है वो उसके सेंटर में देखने को मिलती है। साथ साथ में वहां पे ऑक्टागोनल फेसिंग है, बीच में एक ग्रेव है और उसके सराउंडिंग में ऑक्टागोनल फेसिंग है जो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है हमें। और साथ साथ में वहां पे एक पर्टिक्युलर स्टेटमेंट लिखा गया है कि पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन दी गार्डन ऑफ पैराडाइज। पायस का मतलब होता है पवित्र, मतलब कि जिनका भी हार्ट बहुत ही ज्यादा पवित्र है उसका इस गार्डन ऑफ पैराडाइज में हम वेलकम करते हैं, तो बहुत अच्छी लाइन वहां पे लिखी गई है। फिर जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट अगेन जो उत्तर प्रदेश के आगरा में आता है वो है फतेहपुर सिकरी। इसको भी अकबर ने ही बनाया था। क्यों बनाया था? तो इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, एक सूफी सेंट थे उसकी याद में उन्होंने ये बनाया था। और फतेहपुर सिकरी जो है वो अकबर की कैपिटल सिटी मानी जाती है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1569 AD में स्टार्ट हुआ था और 3 साल में ये खत्म हो जाता है, यानी कि 1572 में वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, पैलेसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वहां पे बीरबल का भी पैलेस है, एक गोल्डन पैलेस है बीबी मरियम का, फिर साथ साथ में टर्की के सुल्तान का भी पैलेस है, जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है। ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है वो बुलंद दरवाजा की है। बुलंद दरवाजा जो है उसकी अगर आप विथ देखोगे तो 41 मीटर देखने को मिलेगी और उसकी हाइट है 50 मीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है फतेहपुर सिकरी के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी है जैसे कि जोधाबाई पैलेस है, पंचमहल है, फिर टोटेम
टॉम्ब ऑफ सेम शेख सलीम चिश्ती भी देखने को मिलता है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, ज्योतिष महल, ये सारे रिमार्केबल बिल्डिंग्स जो है वो सिटी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फिर गोवा जो है वो अपने चर्चेस के लिए फेमस है, क्यों? बिकॉज पोर्टुगीज जो आए थे पोर्टुगल से, उन्होंने वहां पे बहुत सारे चर्चेस का कंस्ट्रक्शन किया। अब वो सारे के सारे थे क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब कि क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए आए थे, और उन्होंने अपना कैपिटल जो है वो गोवा को रखा था उस टाइम के लिए। तो उस टाइम पे बहुत सारे चर्चेस बने, जैसे कि चर्च ऑफ बेसालिका ऑफ बॉम जीसस, बेसालिका ऑफ गॉड जीसस आर इन ओल्ड गोवा, ठीक है। इसके अलावा जो रेलिसिस है ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, वो भी एक कॉफिन के अंदर रखी गई है। रेलिस का मतलब अस्थिया, ठीक है, जो डेड बॉडी के बाद जो अस्थिया बचती है वो सेंट फ्रांसिस जेवियर की वहीं पे रखी गई है एक पर्टिकुलर कॉफिन के अंदर। और ऐसा कहा जाता है कि अभी भी उनकी डेड बॉडी डीके नहीं हुई है। तो बस इतना पार्ट याद रखना है, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है चांपानेर। चांपानेर जो है वो पावागढ़ के फुट हिल्स में सिचुएटेड है, जो हालोल तालुका पंचमहाल के पास आता है। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चांपानेर, महमूद बेगड़ा गेव इट द पोजिशन ऑफ कैपिटल एंड नेम्ड इट मोहम्मदाबाद। मोहम्मद बेगड़ा एक लड़ाई लड़ते हैं जहाँ पे वो चांपानेर को जीत जाते हैं, और बाद में उसको कह दिया महमूदाबाद, ठीक है। अब मोती मस्जिद वहां पे देखने को मिलता है, जामा मस्जिद देखने को मिलता है, और बहुत सारे हिस्टोरिकल फूड्स चांपानेर के अंदर प्रेजेंट है। कंसिडरिंग द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ चांपानेर, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड दिस टाउन एज अ साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया हुआ। अब धोलावीरा और लोथल के बारे में बात करेंगे, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये सब कुछ आ चुका था। 3 नहीं, आई थिंक 4 के अंदर आया होगा। पहले बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा इज सिचुएटेड इन खादिरबेट एट भचाओ, एक भचाओ तालुका है जो कच्छ के अंदर आता है, वहां पे है खादिरबेट, वहां पे धोलावीरा सिचुएटेड है। वो फेमस है अपनी टाउन प्लानिंग के लिए, उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे उसका टाउन प्लानिंग हमें वहां पे देखने को मिलता है। साथ साथ में वहां पे हरप्पन कल्चर जो स्प्रेड हुआ वो भी एक बहुत ही बड़ा सेंटर बना ट्रेड और कॉमर्स के लिए। 5000 ईयर्स अगो फ्रॉम टुडे बीड मेकिंग फैक्ट्रीज एंड ऑर्नामेंट मेकिंग शेल्स वर फाउंड आउट फ्रॉम धोलावीरा, ठीक है। 5000 साल पहले भी वहां पे फैक्ट्रीज हुआ करती थी जो बीड बनाती थी और ऑर्नामेंट्स बनाती थी, वो भी हमें आजकल वहां पे देखने को मिलता है। और लोथल जो है वो अहमदाबाद भावनगर हाईवे पे सिचुएटेड है, वो एक बहुत ही बड़ा सेंटर हुआ करता था ट्रेड और कॉमर्स का, क्योंकि इसको वो लोग यूज करते थे एज अ पोर्ट। पोर्ट का मतलब वहां से शिप ट्रैवल करती थी, और शिप के थ्रू जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह वो लोग भेजते थे। तो ये पार्ट आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लोकेशन जो गुजरात के अंदर प्रेजेंट है वो है जूनागढ़, जहाँ पे लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। इन जूनागढ़ स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो किंग अशोक थे उनका स्टोन इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलती है खापरा कोडिया में। वाव देखने को मिलती है जिसको स्टेपवेल कहा जाता है। पुराना राजमहल है, नवगढ़ वेल है, टोम्ब ऑफ महाबटकन वो देखने को मिलता है, और टोम्ब ऑफ बहाउद्दीन वजीर, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और जूनागढ़ जो है वो फेमस है अपने भवनाथ फेयर के लिए। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इमेज वो है एक पर्टिकुलर टेम्पल की, जिसको भवनाथ टेम्पल कहा जाता है, और वहाँ पे मेला लगता है। ऑब्वियसली ये एक शिवजी का मंदिर है, आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो महाशिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है,
उसको कहा जाता है भवनाथ फेयर। अब अहमदाबाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी देखने लायक चीजें हैं, जैसे कि फोर्ट ऑफ भद्रा, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिपरी, रोजा ऑफ सरखेज, कांकरिया लेक, शेकिंग मीनारे जिसको चुलता मीनारा कहते हैं, सिद्दी सैयद जाली, हाथी सिंह का टेम्पल, मॉस्क ऑफ क्वीन रूपमती, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो शेकिंग मीनारेट्स हैं वो सारंगपुर दरवाजा के पास में है, जो रायपुर गुमतीपुर के पास भी में पड़ता है, और साथ साथ में जो सिद्दी सैयद ग्रिल है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही माइन्यूट कार्विंग की गई है ऑफ जियोमेट्रिकल एंड वेजिटेशनल क्रिएशन। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्री बनाया गया है, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, लीव्स देखने को मिलते हैं, तो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कहा जाता है। फिर पाटन किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है सहस्त्रलिंग लेक और स्टेप वेल ऑफ क्वीन जिसको रानी की वाव कहा जाता है, उसके लिए वो फेमस है। साथ साथ में रुद्र महल है जो सिद्धपुर में है, उसके लिए ये वाला पार्ट फेमस है। ये रुद्र महल जो है वो आपको मिलता है 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाटन। इसके अलावा उदयमती जो क्वीन ऑफ भीमदेव वन थी, उन्होंने भी एक वाव बनाई थी, यानी कि स्टेप वेल बनाई थी, जहाँ पे वो लोग वाटर को स्टोर करके रखते थे। यूनेस्को ने इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है पार्ट बनाया था। अब इसके बाद जो है सिद्धराज जय सिंह जो पाटन के बहुत बड़े राजा थे, ठीक है, उनके नाम पे से सहस्त्रलिंग लेक जो है वो बना है। अपार्ट फ्रॉम द फोर्ट एट वडनगर, शर्मिष्ठा लेक एंड कीर्ति आर्चिस आर वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट्स, ये चीज भी आपको याद रखना है। और एक मेश्वो रिवर है जिसके पास एक बहुत ही बढ़िया टेम्पल है शामड़ा जी, जहां पे भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। फिर आती है प्लेसेस ऑफ नेशनल हेरिटेज। अगेन सेम चीजें यहाँ पे रिपीट की गई है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। जो पार्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है वही पार्ट यहाँ पे रिपीट किया गया है। जो नई चीज है वो ये है कि अडालज के पास स्टेप वेल है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ यहाँ पे नए आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ आप एक टाइम के लिए स्किप कर दोगे तो चल जाएगा। साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि जो शेत्रुंजय माउंटेन है पालीताना के पास, वहाँ पे बहुत सारे जैन टेम्पल्स हैं। सिर्फ इतना पार्ट आप लोग याद रखना, इसके अलावा सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। फिर सोमनाथ टेम्पल के बारे में आपको पता ही होगा, द्वारकाधीश टेम्पल के बारे में पता ही होगा, इसलिए हम इसको डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे। फिर लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ एंशियंट इंडिया। जो पुराने साउथ इंडियन टेम्पल्स थे वो बनाए जाते थे द्राविड स्टाइल ऑफ आर्ट में, वो पिरामिड जैसे शेप में होते थे और मल्टी स्टोरीज होते थे, मतलब कि अलग अलग लेवल्स देखने को मिलते थे, और एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टोन उसके टॉप में रखा जाता था। फिर लास्ट पार्ट है हमारा प्लेसेस ऑफ पिलग्रीमेजेस इन इंडिया। पिलग्रीमेज का मतलब होता है धर्मस्थल, जहाँ पे हम पूजा करने के लिए जा सकते हैं, ऐसा स्थल। तो आपको पता ही है कि लोग जो है वो चार धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, जिसके अंदर बद्रीनाथ आता है, रामेश्वर आता है, द्वारका आता है, जगन्नाथपुरी आता है। फिर वैसे ही हमारे कंट्री में 51 शक्ति पीठ है, लोग अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, गिरनार की यात्रा के लिए जाते हैं जिसको लीली परिक्रमा कहा जाता है, फिर शेत्रुंजय पर्वत की प्रदक्षिणा करने के लिए जाते हैं, फिर नर्मदा की प्रदक्षिणा करने के लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय एंड हैव फन।